यहुन्ना यीशु के बपतिस्मा दिहलन। एलिशिबा औरी जकरिया का बेटा यहुन्ना सयान होके एगो भविष्यता बन गईले। उ जंगल में रहत रहले औरी जंगली सहत और टिडियन के खात रहले और ऊट के रोबा से बनल कपड़ा पहनत रहले। बहुते लोग यहुन्ना का बात के सुने के खातिर जंगल में आइले। उ ये कही के उ लोगन के प्रचार कैले कि पछता कर जा, काहे से कि स्वर्ग का राज नजदीक बा। जब लोग यहुन्ना के संदेश के सुनले तो उ लोगन में से बहुते लोग अपनी पाप से पछताप कैले और यहुन्ना उ लोगन के बतिस्मा दिहले। यहुन्ना के देखे खातिर बहुते धर्मी अगुआ लोग भी आइले, लेकिन उ लोग अपनी पाप से पछताप या अंगीकार ना कैले। यहुन्ना धर्मी अगुआ लोगन से कहले, हे जहरीला कीड़ा के जैसन लोग, पछताप करा जा और अपनी व्यवहार के बदला जा। परमेश्वर हर वो पेड़ के काट डली है जेवन अच्छा फल ना देत बा और उनके आगे में झोंक दी है। जेवन भवसकता लोग कहले रहले, यहुन्ना ओके पूरा कैलन। देखा जा, जल्दीये में तुहन लोग के आगे अपनी संदेश दे वाला के भेजब, जे तुहन लोग के खातिर रास्ता तैयार करिहे। कुछ धार्मिक अगुआ लोग यहुन्ना से पूछले कि का उ मसीह हवे। यहुन्ना जवाब दिहले कि हम मसीह ना हैं, लेकिन हमारी बात जे आवे वाला बा उ इतना महान बाणे कि हम उनकर जूता के फीता के होले जोग ना बाणी। अगला दिन यीशु बपतिस्मा लेवे के खातिर यहुन्ना के पास आइले। जब यहुन्ना उनके देखलन तो उ कहलन, देखा जा परमेश्वर का मेमना जेवन दुनिया के पाप के उठा ली हैं। यहुन्ना यीशु से कहलन, हम तोहके बपतिस्मा देवे के योग्य नइखें, बदले में ई जरूरी बा कि तू हमके बपतिस्मा द। लेकिन यीशु कहलन कि तोहके हमके बपतिस्मा देवे के चाहीं, काहे सी कि यही तरह परमेश्वर का इच्छा पूरा कइल ठीक बा। तब यहुन्ना उनके बपतिस्मा दिहले, जबकि यीशु कबो भी पाप ना कैले रहले। बपतिस्मा दिहला के बाद जब यीशु पानी से बाहर निकल के अइलन, तब परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में प्रकट भइल और नीचे आके उनकरी पर रुक गइल। वही समय परमेश्वर स्वर्ग से बात कैलन। उ कहले कि तू हमार बेटा हुआ, हम तोहसे प्रेम करत बानी और हम तोहसे बहुत खुश बानी। परमेश्वर यहुन्ना से कहले, पवित्र आत्मा नीचे आके उनकरी पर ठहर जाई, जेके तू बपतिस्मा देबा उहे परमेश्वर का बेटा बाड़न। परमेश्वर एक ही हौवे, लेकिन जब यहुन्ना यीशु के बपतिस्मा दिखले तो उ परमेश्वर पिता का बात करत के सुनले। बेटा परमेश्वर के देखले बाड़न जेवन की यीशु बाड़न और उ पवित्र आत्मा के देखले। मती अध्याय 3, मरकुस 1:9-11, लूका 3:1 से एगो बाइबिल का हिस्सा।